हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कटनी ज़िले के बारे में जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। कटनी ज़िले को चूना नगरी के नाम से भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की चूना नगरी कटनी को ही कहा जाता है। हमारा कटनी मैप में कुछ यहाँ पे पड़ता है। ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे कटनी ज़िला जो कि 25 मई 1998 में जबलपुर से पृथक कर बनाया गया था। मध्य प्रदेश की चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका बोलियों का प्रभाव कुछ इस तरह है कि इसमें बघेली फोली, बुंदेली और गोंडी, ये तीनों बोली यहाँ पे बोली जाती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग है यहाँ पे NH 43, NH 78 और NH 7 यहाँ के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो कि प्रमुख हैं। यहाँ पे नदियाँ, ये कटनी नदियाँ है, यहाँ से उद्गम होता है। कटनी जिले से कटनी नदी का उद्गम होता है और एक छोटी नदी है महानदी और उमदर नदी, ये चारों नदी यहाँ से प्रवाहित होती हैं। बिलहारी जो कि प्राचीन पुष्पावती है, यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर भी हैं और विष्णु बराय की मूर्ति भी है यहाँ पे। नाहलेश्वर शिव मंदिर भी है यहाँ पे और यहाँ का पान आईने अकबरी में उल्लेखित है। यहाँ पे एक स्थान है रूपनाथ, यहाँ पे स्थान है रूपनाथ जो कि मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ पर अशोक का अभिलेख पाया जाता है, अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है यहाँ पे और मौर्यकालीन स्थल भी है। शिव जी की पंचलिंगी मतलब पांच लिंग वाली प्रतिमा है, इसे ही रूपनाथ कहते हैं। और यहाँ पर तीन पवित्र कुंड है जो कि सीता कुंड, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड हैं। हम देखते हैं आगे जो कि है बहुरी वन। बहुरी वन में क्या है, पुरातात्विक स्थल है और जैन तीर्थंकर शांति आदिनाथ जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा भी है। विशिष्ट पाषाण उद्यान की स्थापना भी की गई है यहाँ पे और सूर्य भगवान की अनेक मूर्तियाँ भी हैं। यहाँ पे एक स्थान है टिकवन जहाँ पे प्राचीन झागढ़ है। ओरछा वीर थे जो कि आला उदल ने माधवगढ़ की लड़ाई लड़ी थी यहाँ पे। यहाँ पे एक स्थान है टिकबन जो कि प्राचीन झागड़ ओरछा वीर थे आला और उदल ने माधवगढ़ की लड़ाई लड़ी थी और 1500 साल पुराने मंदिर, नरसिंह भगवान और पारसनाथ जी की मूर्तियाँ भी यहाँ पे हैं। विजय राघोगढ़, विजय राघोगढ़ में क्या है, युवराज प्राग दास द्वारा निर्मित विजय राघोगढ़ का किला है यहाँ पे और किले में रंग महल जैसी इमारत भी है। गुप्तकालीन एक ब्राही लिपि से युक्त एक अभिलेख भी है यहाँ पे, गुप्तकालीन से ब्राही लिपि से युक्त अभिलेख। और यहाँ पे मुड़वारा जो कि पुरानी कटनी के नाम से जाना जाता है, मुड़वारा को प्राचीन कटनी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कटनी का उपक्षेत्र भी है यहाँ पे और डोलोमाइट, बॉक्साइट, लेटराइट और क्वार्ट खनिजों की उपलब्धि। ढीमर खेड़ा यहाँ पे है, रंगीन चित्रों वाली 14 विशाल चट्टाने हैं और इसलिए नावाद मतलब यहाँ पे है संगमरमर पाया जाता है, इसलिए नावाद। झिंझरी एक एक यह एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। मधप्रदेश में चूनी का सर्वाधिक उत्पादन कटनी से ही होता है। मधप्रदेश में सबसे ज़्यादा चूना कटनी में ही पाया जाता है। देश की पहली किन्नर महापौर थी कौन सी, कमला जान। देश की पहली किन्नर महापौर कमला जान थी, यहाँ पे कटनी जिले की ही थी ये। मधप्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। मधप्रदेश का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है, कटनी, और पहला कौन है, इटारसी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी यहाँ पे है जो कि भारत सरकार के अधीन है। सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री मतलब ACC सीमेंट और कैमूर्स आदि सीमेंट पाए जाते हैं। यहाँ का क्षेत्रफल है 4950 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की तहसील है जो कि है बहोरी बंद है, धीमर खेड़ा है, मुड़वारा है, इस्लिम नावाद है और विजय राव धौगढ़ भी यहाँ पे, रोठी है और बड़वारा और बरही, बड़वारा और बड़ी।